सीहोर जिले की इछावर सोसाइटी खेरी आमला रामजीपुरा की भावखेड़ी और खेरी के किसानों ने सोसाइटी में खाद नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन किया और किसान सोसाइटी के प्रांगण में सुबह से शाम तक खाद के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिला। वहीं सोसाइटी के जिम्मेदार भी सोसाइटी से नदारद हो गए। किसानों का कहना है कि सोसाइटी के मैनेजर का इंतजार करते रहे, लेकिन सोसाइटी मैनेजर का अभी तक कोई पता नहीं है और मोबाइल भी बंद कर लिया है। अंधेरा देख किसान दिन भर परेशान होकर बिना खाद के ही अपने घर लौट गए। जिम्मेदारों के प्रति किसानों में भयंकर रोष दिखाई दिया। बता दें, जिस सोसाइटी के मैनेजर को किसान ढूंढ रहे थे, वहां बताया जाता है कि इछावर बैंक में बैठा था। वहीं सोसाइटी के गेट पर किसान अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को गेट पर रखकर खाद मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए थे। खास बात यह है कि कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसान खाद के लिए परेशान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश पटेल, आमला रामजीपुरा। ये कौन सी सोसाइटी है? आमला रामजीपुरा प्लस भूखेड़ी। यहाँ खाद के लिए आप कब से खड़े लाइन में? हमें 7 बजे से लगे लाइन में। अच्छा, अभी तक कोई खाद नहीं मिला हमें। तो यहाँ के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, उनका क्या कहना है? वो जो मतलब कोई आ ही नहीं रहे, अधिकारी कोई जवाब ही नहीं दे रहे कुछ भी। अच्छा, और मैनेजर साहब को फोन लगाया, मोबाइल बंद कर लिया उन्होंने। मतलब कोई नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कुछ पता करने वाला कोई नहीं है अपनी। जो किसानों की वो कहने से नाम है भाई साहब आपका? ये कौन सी सोसाइटी है? ये आमला रामजीपुरा मुख्यालय भावखेड़ी। ये आप जो सोसाइटी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला पूरा? प्रदर्शन नहीं कर रहा, सुबह 7 बजे के खड़े खाद के लिए। अच्छा, मैनेजर भूखे खड़े हैं। मैनेजर साहब यहाँ है नहीं, और जो यहाँ कर्मचारी वो कोई सुनने को भी तैयार नहीं की। मैनेजर साहब आपका फोन बंद आ रहा, सुबह से कब से आ रहा, खाद ही नहीं मिला।